नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को दिल्ली की सीबीआई अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन कुछ ही घंटे बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जया जेटली की अपील को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। जया जेटली की अब इस अपील पर नियमित सुनवाई बाद में होगी। दिल्ली की रॉस एवेन्यू कोर्ट ने जया जेटली को गुरुवार शाम 5 बजे तक तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने सरेंडर करने का वक्त दिया था, लेकिन हाईकोर्ट में गुरुवार को ही हुई सुनवाई के दौरान निचली अदालत की तरफ से दी गई सजा को हाईकोर्ट से स्थगित करने के कारण जया जेटली जेल जाने से बच गई। मामला जनवरी 2001 में न्यूज पोर्टल तहलका पर प्रसारित ऑपरेशन वेस्ट एंड से सामने आया था। ये एक स्टिंग ऑपरेशन था। तीनों पर आरोप था कि सेना को थर्मल इमेजर की आपूर्ति करने के लिए संदिग्ध कंपनियों के प्रतिनिधि के रूप में आए पत्रकार से अभियुक्तों ने रिश्वत स्वीकार की थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि जेटली ने संदिग्ध कंपनी वेस्टर्न इंटरनेशनल के प्रतिनिधि मैथ्यू सैमुअल से 2 लाख रुपए गैर कानूनी तरीके से लिए थे, जबकि मुरगई को 20,000 रुपए मिले। तीनों आरोपियों के साथ सुरेंद्र कुमार सुरेखा आपराधिक साजिश के मामले में पक्षकार थे, लेकिन सुरेखा बाद में सरकारी गवाह बन गए। लंबी बहस के लिए दिल्ली की रॉस एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई, लेकिन इस फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।